हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मैं बिना नहाए मैंने जितना काम किया था और नहा कर अब आई हूँ और यहाँ किचन आई हूँ। तो खाना पीना तो सब कुछ बन ही गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दूध गर्म करने के लिए मैंने दे दिया है, 1 kg अभी दिया है, क्योंकि आज संडे है। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, संडे की सुबह तक का मैंने दिखाया था। उसके बाद ये किचन में आ गई हूँ और मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है तो उसको पीना है बॉर्नविटा, तो इसीलिए मैंने दूध भी गर्म करने के लिए दे दिया। और ये खा कर चूँकि ऑफिस गए हैं तो जो भी प्लेट में बचा हुआ था वो सब मैंने पॉलिथीन में रख दिया और 1-2 बर्तन मैं धो ही लूँगी, क्योंकि मैं अभी से जमा नहीं करती हूँ। जो भी ज़रूरत का होता है मैं शाम तक मैं धोती रहती हूँ, मैं कई बार बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये जो जीरा वाला बनाया है इसमें बहुत सारा मैंने दूध दिया हुआ है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बना है। और स्वादिष्ट बने या ना बने ये पेट भी साफ करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मैं अपने खुद पर ये प्रैक्टिस करके मैं आपको बता रही हूँ और फ़ायदा भी करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बन गया, मुझे अंदाज़ा ही नहीं मिला कि इसको कितना बनाना है। देते गई, एक बार जीरा दिया पीस के तो फिर मुझे लगा गुड़ ज़्यादा हो गया तो और जीरा दे दिया इसको मिक्सर में ग्राइंड करके। उसके बाद फिर काजू दिया, किशमिश दिया, ये सब दिया और बहुत ज़्यादा हो गया। 3 किलो इसमें मैंने दूध दिया है। अभी तो गोंद का लड्डू वगैरह नहीं बना पाई हूँ, तो नहा कर तो मैं 10 बजे ही आ गई थी और रोटी थी, रात की रोटी सब्जी मैंने खा लिया है और इसको मैंने फ्रिज में रखा था बचा हुआ खाना, इसमें मैंने खाली कर दिया है। सारा बर्तन मैंने धुलवा लिया है। अभी मेरी बेटी बहुत हल्ला कर रही है, उसको अभी नहलाया नहीं है मैंने। वो सरिता बोली थी जो मालिश करने वाले आते हैं मैं 11:30 बजे आऊँगी, लेकिन वो नहीं आई है और अभी लगभग 10:45 हो गया है। तो मैं उनका वेट नहीं करूँगी, इसको समय से नहलाना होता है और मैं अच्छे से नहला लेती हूँ, मालिश भी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा दूध गर्म कर लूँ, क्योंकि आज तो संडे है और मेरा बेटा पढ़ रहा है अभी, किसको चाहिए बॉर्नविटा। वो तो खा के ऑफिस निकल गए, इतने भी खा लिया। मैं तो सबसे पहले मैंने खाया, आज पहली बार मैं 10 बजे नहा कर मैंने नाश्ता कर लिया है, जबकि फ्रूट्स वगैरह भी था, केला अभी मैं नहीं खाती हूँ, एप्पल वगैरह खाया था और यही जीरा वाला थोड़ा सा खाया था। और अब उसको मैं नहला के रेडी कर दूंगी और दूध गर्म कर रही हूँ, उसको बॉर्न बिठा दूंगी। मुझे भी हल्दी दूध पीना है। तो डियर, आप लोग जो भी चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक किया करिए और अपना कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, हर कुछ दिखाने का संभव अपना प्रयास करती हूँ, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। चलिए अब आगे के कामों में लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुबह मैंने जीरा वाला खाया था। इससे क्या होता है कि आपकी कमर वगैरह में अगर अधिक पेन है तो थोड़ा ये कम करता है, और गोंद का लड्डू भी कमर वगैरह को बांधता है, बांधने का काम करता है। तो मैंने अभी गोंद का लड्डू नहीं बनाया है और जीरा वाला सुबह थोड़ा सा खाया था। तो मैं मुझे जब इच्छा होती है मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ, जिससे कि दर्द में राहत मिले। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अपनी बेटी को नहलाऊँगी, मालिश करूँगी, बेटा मेरा पढ़ रहा है और आज कपड़ा भी बहुत धोने के लिए है। मैं कपड़ा बिल्कुल शाम में धोती हूँ और जितना वो उस पर मैंने पसारा है सबको मोड़ूँगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है और थोड़ा सा गर्म पानी करके लाऊँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल बारिश का मौसम है, रोज़ रोज़ बारिश होती है, इसीलिए मैं दोनों पानी मिला कर नहलाती हूँ। और उस वजह से मेरी बेटी की किलकारी भी आप लोगों को सुनने के लिए मिलता है। और मैंने सुबह सुबह बेटी का सुबह भी मालिश करती हूँ, तो मैं उसको काजल और पाउडर कर देती हूँ। और बेटी होने के बाद में मेरा पुतली मेरे पीछे पीछे चलता है मेरा बेटा। देखिए मेरी बेटी को, देखिए क्या बन गई है मेरी बेटी, क्या बन गई है, क्या बने
क्या बोलेगा, ये गंदी पुंदी बाबू बन गई है। यहाँ पर मैं बाबू को तेल मालिश कर रही हूँ और मेरा बेटा पढ़ रहा है किचन में। मैंने दूध टाइम फिक्स करके चढ़ाया था जो कि बंद हो गया। खुद आप लोगों को इंडक्शन का आवाज़ आया होगा, तो एक बार इसको मैं अभी मालिश करके नहला के सुला दूँगी, फिर वो आएंगे। अब नहीं आए 11:30 बजे, तो मैं तो कल उनको बोलूँगी कि आप थोड़ा समय पर आइए, देखती हूँ क्या होता है। क्योंकि एक समय किसी चीज़ का फिक्स होता है तो उसके अनुसार मैं बेटी को मालिश करूँगी ना। जैसे 5:30 से 5:30 के बीच में मुझे इसका मालिश करना होता है। इतना ये कराहती है, इतना अपने देह हाथ को इस तरह से मचोड़ती है कि मुझे ज़बरदस्ती नींद में उठकर इसकी मालिश करनी होती है, तभी ये सोती है। तो जब 6 बजे के आसपास एक बार करती हूँ, दोबारा मैं 9 बजे करती हूँ, क्योंकि उस समय बहुत अफरा तफरी होती है, जल्दी जल्दी इनके ऑफिस निकलने की होती है। लेकिन चूँकि ये किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो ये किचन जाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बाबू का मालिश कर देती हूँ और तिबारा 11:30 से 12 के बीच में इसको मालिश करके नहला देती हूँ। अब वो बोल रही हैं कि मैं 11:30 बजे आऊँगी, अभी तक 11:00 बज गया, 11:15 हो गया, नहीं आई हैं। मैं उनका वेट नहीं करूँगी, मैं नहला दूँगी और उसके बाद फिर वो आएँगे तो मुझे मालिश करेंगे। मैं बाबू को तुरंत, इतना छोटा बच्चा है, ज़्यादा 1-1 घंटे में मालिश करना सही नहीं है। कोई भी चीज़ की समय और सीमा दोनों निर्धारित होती है। तो आज मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बिल्कुल शाम का दिखा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ था, खाना पीना सब हो ही गया था और बाबू को नहला के सुला दिया। वो बहुत सोई आज, क्योंकि उसका मैंने बाल धोया था सर धोने के बाद। वो उस दिन बहुत सोती है और कई दिन से सो नहीं रही थी गैस के कारण। इतना उसको गैस बन रहा है, इतना गैस बन रहा है जिसके कारण मैंने 2 दिन ब्लॉग भी नहीं डाला था। आज मैंने इनको गैस की दवाई लाने को कही है, देखती हूँ ये लेकर आते हैं या नहीं। तो दिन भर आज सोई, मैं दिन भर कुछ कामों में लगी रही। अभी रात का खाना भी बनाना है, खाली साफ सफाई के चक्कर में मैं रही। और आज मैंने सोचा है जितना भी डबल बेड या सिंगल बेड का बेड शीट है सबको पिलो कवर के साथ मैं रखूँगी, क्योंकि इधर जो मेरी स्थिति ऐसी रही, बेड शीट कोई इधर डबल बेड वाला सिंगल पे बिछ जाता है, सिंगल वाला कहीं है कहीं पड़ा है, मतलब एकदम स्थिति ख़राब हो गई। तो मैं सारे बेड शीट को आज पिलो कवर के साथ अरेंज कर रही हूँ और नीचे वाले उसमें रख रही हूँ, खाने में रख रही हूँ। उसके बाद मैं काम करते करते ही वो गोदरेज कुर्सी पर छोड़ दिया, और चूँकि मुझे बेडरूम का बेड शीट चेंज करना था, मुझे लगा वो आज आएंगे तो फिर अगर आराम भी करेंगे तो फिर मैं बेड शीट चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने इस बेड शीट को उतार कर यहाँ भी एक बेड शीट लगा दूँगी, पिलो कवर चेंज कर दूँगी। और पिलो कवर तो आप लोगों को पता होगा कि हर दिन चेंज करना चाहिए, संभव हो तो बेड शीट भी आप कर सकते हैं। अगर अधिक बच्चा नहीं है या बच्चा समझदार है, अधिक गंदा नहीं हो रहा है तो 2 दिन चलेगा, लेकिन मैं तो डेली बच्चे के कारण चेंज करती हूँ, जिसपे बाबू को मैं सुलाती हूँ। और जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ उस दिन क्या होता है, या तो सिंगल बेड शीट डबल करके रखती हूँ, हालाँकि बाबू का बेड अलग है, फिर भी मेरे मन में होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही रखूँ। तो मैंने उसी तरह हॉल में सारा चीज़ बिखरा छोड़ दिया है और यहाँ आ गई, ताकि अब इनके भी आने का लगभग समय हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट ठीक कर दिया और जो गोदरेज है उसमें इतना सामान भरा पड़ा था जो डेली यूज नहीं भी होता था वो भी। और आज मुझे क्या हुआ, मुझे लगा ये काम करना है क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी, इस कारण मैं लगातार काम में लग गई। बेडरूम ठीक किया, अब मैं यहाँ गेस्ट रूम ठीक करने आ गई हूँ। तो इस रूम में भी सोफ़ा कवर वगैरह चेंज बहुत दिनों से नहीं हुआ था, तो सोफ़ा कवर पिलो कवर तो आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी से मेरी परेशानी अब शुरू हो गई है। इतना झुक के और इतना लगातार काम करना, पता नहीं, मैं तो आपको आगे बताऊँगी क्या हुआ था। उसके बाद अब यहाँ पे बेड शीट भी मैं ठीक कर लूँगी। बाबू को बॉर्नविटा उसी समय दिया था दिन में ही, उसके बाद फिर इसने नाश्ता किया और वो भी बाबू के साथ सोया, सो के उठा तो फिर अपना आज घूमने कहाँ जाता, आज तो उसके पापा घर में नहीं है, अपना टीवी देखा और फिर अपना उसका होमवर्क था। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं काम में थी उसको करा नहीं पाई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब मुझे समय मिलता है मैं आपको होमवर्क करा दूँगी, अभी आप इंजॉय करिए। तो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है
बारिश का मौसम है इसलिए बाबू को भी मैंने फुल ट्राउज़र पहना दिया था, टी शर्ट पहना दिया था और ये रूम भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया। उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा समय हो गया और उससे कपड़ा सेलेक्ट कर करके यानी कि जो डेली वियर का उसमें बाबू का था इनका था वो सब मैंने कुछ अलग किया, और जब मैं बिल्कुल थकने थकने सी लगी तब यहाँ पर मैंने क्या किया कि सारे कपड़े को उठाकर ये जो सामने चेयर है उस पर रख दिया, क्योंकि अब मुझे कपड़ा भी धुलना है, काफ़ी समय हो गया तो मशीन में एक एक करके सारा कपड़ा मैं डालते जाऊँगी। जो बेडशीट वगैरह उठाया है उसको भी डालूँगी, और अभी हॉल का बेडशीट देख ही रहे हैं कितना गंदा है, और बाबू अभी तक हॉल में ही थी लेकिन अब मैंने रूम का जब बेडशीट चेंज किया तो बाबू को मैंने वहाँ पर दे दिया। और लगातार कर रही हूँ, मतलब कैसे मेरा पूरा दिन गुजरता है आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं दोपहर में भी नहीं सो पाती हूँ, नहीं सोती हूँ, जबकि हर दिन चार दिन से सोच रही हूँ कि कौन सा साड़ी डेली वियर में यूज करूँ। मुझे साड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा है, और कभी गोदरेज अरेंज करती हूँ, कभी कुछ, इतना काम होता है, और बीच बीच में मेरा बेटा मेरी बेटी को उठा देता है, मैं सुला के उसको आती हूँ, ये जाके कभी हाथ छू देगा, कभी चेहरा छू देगा, कभी पैर छू देगा, अब क्या करूँ, ये भी बच्चा ही है। और यहाँ पर कर्टन वगैरह सब उतर गया था गेस्ट रूम का, क्योंकि वो सारा डंडा वगैरह जो है वो गिरते रहता है, पूरा मकान में रिपेयरिंग का ज़रूरत है, चींटियाँ तो इतनी है जिसका जवाब नहीं है। तो जब डंडा वगैरह सही से लग जाएगा फिर मैं कर्टन लगाऊंगी, तो कर्टन बेडशीट वगैरह उसमें रख दिया था, और जो बचा था कपड़ा सब कुर्सी पर उठा कर रख दिया, मशीन में मैंने कपड़ा डाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन, तो किचन में मेरा बेटा पानी पी के गया, अब मैं भिंडी का भुंजिया काटूँगी और भिंडी का भुंजिया और रोटी आज बनाऊँगी। तो आप समझ सकते हैं एक सेकंड भी नहीं बैठी हूँ मेरी क्या स्थिति होगी, और अभी चूँकि सर में मालिश वगैरह करके गई है तो इसीलिए मेरा सर इस तरह से लग रहा है। तो बाबू को जब मैंने, और इसको आज ये दोपहर में सोया नहीं था, मैंने कहा बाबू के साथ सो गया था लेकिन अभी अचानक मुझे याद आई ये सोया नहीं था, ये भी शायद कुछ होमवर्क वगैरह ड्राइंग का काम था कर रहा था, मैं ध्यान नहीं दे पाई इसके ऊपर, काम के चक्कर में ये जगा ही रह गया। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको सवेरे सुला दूँ, इसीलिए मैं इसको भिंडी बहुत पसंद है, मैंने भिंडी के भुंजिया में छौंक लगा दी, अब आटा मिला दूँगी थोड़ा सा, यहाँ पर एक थोड़ा सा कपड़ा मैंने साफ़ कर लिया है, ड्रायर में है, अब इसमें डाल रही हूँ कुछ कुछ करके, कई बार करना पड़ता है, सारे कपड़े को अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, बाबू का बिल्कुल अलग, बड़ों का जितना है हम लोगों का बिल्कुल अलग, बेडशीट वगैरह बिल्कुल अलग, तो इस तरह कर करके कपड़ा भी धो रही थी, किचन का भी काम देख रही थी, और अभी हॉल का बेडशीट बेड वगैरह पूरा उसी तरह से गंदा पड़ा है। तो पहले अब मैं एक बार काम बिल्कुल अरेंज करके, मैं उठती नहीं हूँ काम करने में, बस थक जाती हूँ, और अभी तो मेरी क्रिटिकल कंडीशन है तो थकना लाजमी है। तो अब वहाँ पर लगभग मेरा भुजिया होने को है, तो मैंने सोचा रोटी आटा मिला के रख देती हूँ, बाबू को एक रोटी बनाकर दे दूँगी, हॉल समेट लूँगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी। लेकिन जब मैं रोटी बनाने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इसको बना ही लेती हूँ पूरा, फिर तो रोटी और भिंडी का भुजिया आज रात का खाना बनेगा। उसके बाद जैसे ही मैंने इसको बनाया फिर लगा कि जो ज़रूरी सब बर्तन है उसको धो लेती हूँ, फिर लगा कि मैं स्लैब्स धो पोछ लेती हूँ, मतलब इस तरह कर करके कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी आप घुसिए, खासकर किचन एक ऐसा जगह है जहाँ से आपको निकलने का फुर्सत नहीं मिलेगा, मतलब किचन घुसिए तो किचन इंतज़ार में रहता है, आओ तुम अंदर तो आओ, आओगी अपने मन से जाओगी मेरे मन से, निकलने का कोई फुर्सत नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने सारा काम अरेंज कर लिया है, अब बस रोटी बनाना है, और उधर मैंने दूध भी चढ़ा दिया है गैस पर, इधर जो एक किलो गर्म किया था वो तो है ही, और ये भिंडी वगैरह मैंने सुबह के लिए अभी से इसी तरह करके रख दिया ताकि सुबह मुझे मुश्किल ना हो, और उधर बन गया और बाबू को दे दिया भुंजिया रोटी, और अभी रोटी नहीं बना है, अभी बस भुंजिया को कम करके छोड़ दिया है। और यहाँ पर अब मैं हॉल का बेडशीट ठीक करूँगी, और काम का मतलब ये सोच लीजिए कि काम तो काम है भाई, और आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, गलती यही की कि मैं जब कोई काम करती हूँ मुझे एकदम सुर पकड़ा जाता है, मतलब दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे ये पूरा करना है, इसी चक्कर में मैं लगातार पूरा वो बेडरूम साफ की, बेडरूम में तो सिर्फ बेडशीट बिछाया, उसके बाद फिर गेस्ट रूम चली गई, आखिर झुकना उठना चलना इतना ही दूर में अगर मैं 100 चक्कर लगा रही हूँ तो आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति क्या होगी। उसके बाद हॉल किया, अब ट्रंक गंदा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि ट्रंक भी साफ करना है, उधर मैंने भुंजिया डाल दिया अब होते रहेगा, और इधर मैं रोटी बना रही हूँ, एक रोटी बनेगा तो घी लगा कर मैं बाबू को दे दूँगी, जब तक वो खाएगा तब तक मैंने सारी रोटियाँ अपनी बना ली, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये है कि उसका होमवर्क भी कराना है, और गैस से बाबू परेशान भी हो रही है, तो उनको मैंने मैसेज कर दिया कि आप गैस का दवाई लेते आइएगा, अब देखती हूँ वो लेकर आते हैं या नहीं। और यहाँ पर मैंने बाबू को दे दिया भुंजिया और रोटी, अब ये खाएगा, इसको काफ़ी टेस्टी लगा था, इसीलिए इसने कहा था कि मुझे सुबह पूड़ी और भिंडी का भुंजिया देना टिफ़िन में, इसीलिए मैंने भिंडी वगैरह सब कुछ निकाल के अभी रख दिया है सुबह के लिए। और अब मैं लगे हाथ सारा रोटी बना ही लूँगी,
किचन से निश्चिंत हो जाऊंगी, तब फिर मैं जाऊंगी अपना जो भी कपड़ा मशीन में बचा है उसको कर लूंगी साफ और फिर बाबू का होमवर्क कराऊंगी। तो इस तरह करके डियर पूरे दिन निकल जाते हैं मेरे। और आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, गलती यही की कि मुझे लगातार इतना काम नहीं करना चाहिए था। हर दिन तो मैं सिर्फ रोटी बनाती थी और सब्जी इनके लिए छोड़ देती थी, लेकिन आज पता नहीं मुझे इतना जिद चढ़ गया कि नहीं, क्योंकि जिस काम को आप एक दिन भी छोड़ दीजिएगा वहाँ पर वो उसी तरह से इतना मैसी हो जाता है। ये ट्रंक ही अगर है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कुछ कपड़े इस पर रखा जाएंगे, बाबू ही अपना बुक बैग कुछ भी इस पर रख देगा, अपना टॉयज, अगर बेडरूम ठीक नहीं करेंगे तो वहाँ भी यही परेशानी। हॉल तो हमेशा ठीक रहता ही है और हर दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर शाम में थोड़ा सा लेटती हूँ, जब तक खाना पीना बनाती हूँ तब तक बाबू को भी मैं यहीं पर रखती हूँ, उसको अकेला उधर नहीं छोड़ती हूँ उस रूम में। और सारा चीज़ निश्चिंत होने के बाद बाबू को भी खिला दिया, मैंने भी दो रोटी खा ली। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाबू का होमवर्क करने, तो कुछ कट पेस्ट था, कुछ ड्रॉ करना था, तो मैं कट नहीं करना था क्योंकि पीछे से भी कुछ कट जाता है, इसीलिए मुझे ड्रॉ ही करना पड़ेगा। सारे चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। उधर दही कटेगा, इधर थोड़ा कमरी कट जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक दो पिक्चर कट किया, लेकिन वो कट करती तो पीछे का कट हो जाता, अब मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा और इतनी मैं थक गई थी अभी तक में। तो आप लोगों को मेरी यही सलाह है, चाहे एक महीना हो या सवा महीना हो डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन का तो मुझे नहीं पता है डियर, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी शरीर उठना बहुत मुश्किल होता है, जबकि मैं लगातार खुद का केयर करती हूँ, दूध पीती हूँ, दाल पी रही हूँ, जीरा का बना के खा रही हूँ, दो टाइम कैल्शियम है, एक टाइम आयरन है, लेकिन फिर भी परेशानी बरकरार है। और जबकि डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही मुझे कह दिया था कि खून का व्यवस्था करना पड़ेगा, खून की कमी है डिलीवरी में, लेकिन वो भी भगवान ने सुन लिया। मैं रोज़ आयरन खाती थी, चुकंदर वगैरह खाती थी प्रेगनेंसी में, तो खून का ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे। और अभी देखिए लगातार आयरन कैल्शियम खा रही हूँ, लेकिन कमज़ोरी एकदम इतनी कमज़ोरी है। फ्रूट्स वगैरह में सेब खाती हूँ, आप लोग देखते ही हैं शेयर तो मैं करती ही हूँ, जितना संभव है ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ले रही हूँ, फिर भी है छुआड़ा खाती हूँ, पिन खजूर खाती हूँ सब कुछ। और यहाँ पर मैं बाबू का अब ड्रॉ कर रही हूँ जो भी है। और ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो लगभग अब रात के 9:30 बज रहे हैं, बहुत मैं थक गई हूँ, आप समझ सकते हैं दिन भर इतना करते करते। तो मेरी यही सलाह है कि आप लोग इतना काम ना करें एक साथ, बाद में मैं बहुत पछता रही थी कि मैंने इतना काम क्यों कर लिया। रात भर मैं सो नहीं पाई, रात भर मैं करवट बदलती थी, इतना दर्द मुझे था, जबकि मालिश करके वो गई थी, पैर में कमर में इतना दर्द था कि जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो ये आ गए हैं, ये इसको जो है ना तो इसमें लिखा हुआ है यही दवाई मिस कर लिया, यही इसका बहुत दवाई और ये गैस की दवाई है, यही दवाई के बारे में भूल गई थी, दूसरा दवाई काम कर ही नहीं रहा था, तो ये मैंने इनको ये डॉक्टर ने समझ कर ये दवाई लाया। गैस इसको इतना हो रहा है, मैं दूध पीती हूँ, क्या कारण है समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैस से परेशान हो जाती है, सो भी नहीं पा रही थी। तो अभी चूँकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और कल भी एक दवाई ये लाए थे तो वो दूसरे टाइप का था, लेकिन वो भी थोड़ा सा राहत दिया था जिससे कि वो सोई थी, तो मैं इतना काम कर पाई। अब ये दवाई देखती हूँ कितना काम करता है। तो डियर उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा बड़ा बन गया ब्लॉग लेकिन एंजॉय ज़रूर किया होगा। और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा डियर, और अपना बहुत 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 ही ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।